आपने वीरांगना जल लक्ष्मी बाई अकेला नाम लिखा और उसके आगे झांसी नहीं लिखा। तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि फेसबुक पे भी सारे लोग झांसी के लोग इसको लाइव करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे करें और हस्ताक्षर अभियान चलाएं और हम लोग भी इसके समर्थन में, चूंकि हम इसे केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, हम चाहते सारे लोग इस मुहिम में जुड़ें। हम चाहते हैं कि हम सारे राजनीतिक दलों को झांसी बचाओ एक आंदोलन समिति भी बनाना चाहते हैं और लगातार जब तक ये नाम नहीं जुड़ेगा जब तक हमारा ये आंदोलन अनवरत रूप से चलता रहे। और चाहे रेलवे वाले एक मुकदमा लिखें, चाहे 100 मुकदमे लिखें, चाहे हमें फांसी पे चढ़ा दें, चाहे जितना जो कुछ इन्हें करना वो करें, लेकिन हम अपने माँ के नाम को जुड़वाए बिना इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। आपकी सांसद जी से कोई बात हुई क्या अनुराग शर्मा से? अनुराग शर्मा जी की नैतिक जिम्मेदारी है और उनके पास ज्ञापन भी गए, उनकी जिम्मेदारी है कि तत्काल अगर ये संशोधित कराना है तो संशोधित कराएं। और अगर सरकार अहंकार में डूबी है, क्योंकि वो तो हर जगह नाम बदल रही और नाम बदलने से उन्हें लगता है कहीं लाभ होता, पहले उनके दिमाग में आया होगा कि उनने इतिहास ही नहीं पढ़ा, उन्हें भूगोल ही नहीं मालूम कि झांसी कोई मुगलों का दिया हुआ नाम नहीं है, जैसा वो तर्क देते हैं कि मुगलों, ये बुंदेली माटी का अपमान है। पहले प्रधानमंत्री जी एक बार अपमान कर गए, झांसी आए विजिटर बुक पे उन्होंने साइन नहीं किए, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जो उनकी शान में रखा गया था उस लाइट एंड साउंड को शुरुआत नहीं की। अब दूसरा सबसे बड़ा अपमान जो है कि झांसी छीन लिया, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, ये कतई। और इसमें सारे, क्योंकि ये दल का मुद्दा नहीं है, दिल का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे भी लिखा है, पत्र भी लिखे हैं और उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा कि दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए लोग जो एसी में बैठे हुए हैं, जो क्या निर्णय कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम रहता, नोटबंदी चाहे ऐसे निर्णय करते चले जाते, उन लोगों ने ये निर्णय गलत किया है। तो इसे पुनश करने के लिए उनके पास एक मौका है और सांसद जी की जिम्मेदारी है। आप कोर्ट में नहीं है? कोर्ट में हम सबसे पहले जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत से बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती। किन दलों से बात हुई है? हमने सारे दलों के लोगों से बात की और इसको हम आगे इसको करने वाले हैं, सब दलों को इसमें इकट्ठा करेंगे और सांसद जी को